नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। सीकर के दातारामगढ़ तहसील के गांव चारण का बास में गुरुवार 24 फरवरी को 4 वर्षीय बालक गुड्डू बोरवेल में गिर गया। गुड्डू की जिंदगी बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। अब कुछ ही देर में गुड्डू को बचाने में रेस्क्यू टीम को सफलता मिल सकती है। आपको बता दें कि सीकर का प्रशासनिक अमला पूरी रात मौके पर मौजूद रहा। अभी भी सभी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। रेस्क्यू टीम के सदस्य और गुड्डू के परिजन लगातार गुड्डू से बातें कर रहे हैं। फिलहाल गुड्डू सुरक्षित है। कल शाम से ही बोरवेल में गिरे गुड्डू की जिंदगी बचाने का प्रयास जारी है। आपको बता दें कि बोरवेल के समानांतर जेसीबी से बड़ा गड्ढा खोदा जा रहा है। 60% गड्ढा खोदने के बाद जहां गुड्डू अटका हुआ है, वहां तक सुरंग नुमा रास्ता बनाकर गुड्डू तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन सही दिशा में हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही घंटों में ऑपरेशन पूरा होने की संभावनाएं हैं। वहीं गुड्डू तक लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। उसके खाने के लिए बिस्किट, नमकीन और टॉफी भी रस्सी के सहारे गुड्डू तक भिजवा दी जा रही है। साथ ही पानी की छोटी बाल्टी और गिलास भी भेजा गया है। वहीं गुड्डू से लगातार बातें करके उसे व्यस्त रखा जा रहा है ताकि वह अपने आप को अकेला ना समझे। वहीं सीसीटीवी कैमरों के जरिए गुड्डू पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी के साथ उससे बातें करके उसे बहलाया जा रहा है। क्योंकि गुड्डू की उम्र 4 साल है, ऐसे में वह ज्यादा समझ नहीं पा रहा है। वहीं गुड्डू तक रस्सी के सहारे एक स्टैंड भी भिजवा दिया गया है। उसे बार बार कहा जा रहा है कि वह इस स्टैंड पर बैठ जाए। 7 फीट की गहराई में होने के बावजूद गुड्डू चहल पहल कर रहा है। परिजनों की बातों को सुन भी रहा है, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी वह स्टैंड पर नहीं बैठ रहा है। अगर गुड्डू स्टैंड में बैठ जाता है तो उसे तुरंत बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन वह बैठने में आनाकानी कर रहा है। आज की खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज़। धन्यवाद।